हाँ जी, वेलकम बैक, दिस इज उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त समस्या का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। गाइस, जो लोग भी इंस्टेंट फॉर्म को यूज़ करके फेसबुक के लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करते हैं, उन्होंने एक समस्या का सामना अक्सर किया होगा, लीड्स की क्वालिटी। बहुत सारे लोग हमसे भी बोलते हैं कि सर, हम बहुत बेहतर लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं, हमारी जो लीड्स हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी कम आ रही है, बट क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। गाइस, आज के इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक माइनर से ट्वीक को देखेंगे, जो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते वक्त ही, जिससे कि आपकी जो लीड्स की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। बट कहीं पर कुछ फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए जब आप वो माइनर ट्वीक करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीड फिल्टरिंग का ऑप्शन। तो जब कभी भी आप लोग इंस्टेंट फॉर्म्स को क्रिएट करने जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा लीड फिल्टरिंग का। अगर आप उस टॉगल को ऑन करके वहाँ पर कुछ चीज़ों को सेट करते हैं, तो हमने देखा है अक्सर हमारे केसेस में जो क्वालिटी ऑफ लीड है वो इम्प्रूव हुई है, बट उसके साथ साथ जो लीड की कॉस्ट है वो भी हमारी इंक्रीज हुई है। बट बहुत सारे केसेस में हमें ये मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल इस्टेट के लिए जो है वो लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो रियल इस्टेट में जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारी लीड की कॉस्ट 100 की जगह 200 रुपये भी हो जाएगी, 250 भी हो जाएगी, 300 भी हो जाएगी, 400 भी हो जाएगी, 500 भी हो जाएगी, 5 गुना भी अगर हमारी लीड की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनटिल अनलेस उसकी जो क्वालिटी है वो शानदार होनी चाहिए। राइट, बात समझ में आ रही है आपको? चाहे 100 रुपये की हमारी लीड हो एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, चाहे हमारी 500 रुपये की लीड हो, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर 500 रुपये वाली लीड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो कुछ बिजनेसेस में जहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट की वैल्यू है वो काफ़ी हाई है, वहाँ पर आप डेफिनेटली लीड फिल्टरिंग के जो फीचर्स हैं उनको आप टेस्ट करें। तो किस तरीके से इसको करेंगे, मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लीड फिल्टरिंग का फीचर है क्या और कैसे काम करता है। स्टार्टिंग से ये फीचर नहीं था, अभी कुछ महीनों पहले ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हम लोगों ने काफ़ी अकाउंट्स में जो है वो टेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप क्रिएट के ऊपर जाएंगे और नया कैंपेन जैसे लीड जनरेशन का अगर आप बनाने जाएंगे यहाँ पर, राइट, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एड ग्रुप के ऊपर आकर इंस्टेंट फॉर्म्स जो है उनको सेलेक्ट कर लूँगा, फाइन। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने एक बार के लिए अपने जो हमारा ऐड है उसके ऊपर, फाइन। और अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर, तो आप देख रहे हो इंस्टेंट फॉर्म का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप क्रिएट न्यू करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप जाएंगे क्वेश्चंस वाले सेक्शन, बाकी चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें इतनी चीज़ें पता होंगी, अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरे फेसबुक का जो एड्स का कोर्स है कंप्लीट, एक 20 घंटे का भी कोर्स है, और उसके अलावा कुछ प्लेलिस्ट भी हैं जो आप देख सकते हो उस चैनल के ऊपर जाकर, तो आपको इन डेप्थ में सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी, फाइन। तो यहां पर अगर आप देखो, तो यहां पर क्वेश्चंस में आप कुछ कस्टम क्वेश्चंस यहां पर पूछते हैं। कस्टम क्वेश्चंस आर लाइक बेसिकली क्वालिफायर क्वेश्चंस, ये क्वालिफायर क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लीड्स को जनरेट कर रहा हूँ, या किसी स्कूल के लिए अगर मैं लीड्स को जनरेट कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं कि भाई आपका जो बच्चा है वो किस क्लास में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेरेंट्स को टारगेट करें, तो यहाँ पर वो हमारे क्वालिफायर क्वेश्चंस होते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, और उसके बेसिस पर हमारी सेल्स टीम को कोई प्रॉब्लम ना हो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो कुछ क्वालिफायर क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं, और उसके बाद उनकी हम जो लीड की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो प्रीफिल क्वेश्चंस के बेसिस पर हमें मिलते हैं, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें फिर फर्दर हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे क्वालिफायर क्वेश्चंस होते हैं। तो जब मैं यहाँ पर ऐड क्वेश्चन के अंदर जाऊँगा, और अगर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, फाइन, तो यहाँ पर आप देखो आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली लीड फिल्टरिंग। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे, इसको टॉगल ऑन कर दोगे, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे हाउ सून यू आर लुकिंग टू बाय, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। तो एंटर एन आंसर मैं लिख सकता हूँ, जैसे टूडे, ठीक है, इन अ वीक, अभी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, और प्लस करके इन अ मंथ, नॉट प्लानिंग नाउ, नॉट प्लानिंग नाउ। तो अगर मैं रियल इस्टेट का ही एग्जाम्पल मान के चलूँ कि रियल इस्टेट के प्रॉपर्टी के लिए या रियल इस्टेट की फ्लैट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लीड जनरेशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सामने क्वालिफायर क्वेश्चन है ये, हाउ सून आर यू लुकिंग टू बाय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आर यू लुकिंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी, फाइन, हाउ सून आर यू लुकिंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी, मैंने मेंशन कर दिया। अब टुडे, ये मैंने कि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, यू कैन चेंज द आंसर्स वे हियर, ये आप इन अ मंथ, इन 2 मंथ्स, इन 3 मंथ्स, इन अ ईयर, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई बंदा डालता है यहाँ पर टुडे, राइट, सो टुडे एक तरीके का आंसर भी हमारे पास आ गया, एक रिस्पॉन्स भी आ गया, एंड वॉट वी आर सेइंग इज कि ये हमारे लिए एक तरीके की लीड है, दिस इज एक्चुअली अ लीड फॉर अस, क्योंकि वो खरीदना चाहता है।
वो एक हफ्ते में खरीदना चाहता है, फाइन, ये भी हमारे लिए एक लीड है। वो एक महीने में भी खरीदना चाहता है, वो भी हमारे लिए लीड है। बट वो बंदा हमारे ऐड को देखता है, उसमें इंटरेस्ट भी जगाता है, उसके ऊपर क्लिक भी करता है और बिना मतलब के वो फॉर्म को फिल करेगा। इससे अच्छा क्वालिफायर क्वेश्चन में ही हम ये डिसाइड कर लें कि वो हमारे लिए एक लीड है या नहीं है। हमारी सेल्स टीम की जो एनर्जी है, हमारे जो सेल्स टीम है, वो भी जो है अपना बिना मतलब का टाइम जो है वहां पर ना लगाए। फाइन, यहां पर जो आप देख रहे हो नॉट प्लानिंग नाउ, मैं बोल दूंगा इट इज बेसिकली नॉट अ लीड फॉर अस, ये हमारे लिए कोई लीड नहीं है। फाइन, तो ये आपको कैप्चर नहीं होगी। तो जब ये चीज कैप्चर नहीं होगी तो आप क्या देखोगे कि आपका जो सीपीएम है वो तो सेम ही चल रहा है, क्योंकि इंप्रेशन की जो कॉस्ट है, जो भी आपने ऑडियंस को टारगेट किया है, उसमें 1000 लोगों तक रीच होने की जो कॉस्ट है, जो सीपीएम आप दे रहे हो, वो तो लगभग सेम ही रहेगा। बट जहां पर आपको एक लीड मिल सकती थी, अब वो लीड नहीं मिलेगी। तो लीड का जब नंबर घटेगा और पैसा आप उतना ही दे रहे हो, तो इवेंचुअली जो लीड की कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, बट उसके साथ साथ जो हमारी लीड की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा मैटर क्या करता है, लीड की क्वालिटी। एक 3 करोड़ का फ्लैट हम बेचने को निकले, 2 करोड़ का हम फ्लैट बेचने को निकले, हम 100 रुपये की लीड के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे ना कि 100 की आ रही है, 150 की आ रही है, 200 की आ रही है, 300 की आ रही है। हमारा मेन पर्पज़ क्या है, क्वालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए, फिर हम उसको कन्विंस कर देंगे, राइट। तो नॉट प्लानिंग नाउ में हम इसको नॉट अ लीड कर सकते। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस दिए, यू कैन गो हैड एंड चेंज दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैं अगर बजट की बात करूँ तो कुछ यहाँ पर बजट बेसिस पर क्वेश्चंस है, हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड, यहाँ पर दिया हुआ, यू कैन गो हैड एंड चेंज दीज नंबर्स एंड एवरीथिंग। टाइमलाइन के बेसिस पर जो मैंने अभी आपको दिखाया, नीड के भी बेसिस पे, आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू और यूज्ड कार, तो नीड के भी बेसिस पे। तो अगर वो न्यू कार देख रहा है तो ठीक है, देन इट इज़ बेसिकली अ लीड, क्योंकि मैंने कार का एडवर्टाइजमेंट लगाया। बट वहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नई कार नहीं लेना चाहते, हम पुरानी कार लेना चाहते। तो हम पहले ही बोल दे रहे हैं उससे कि भाई तुम नई कार लेना चाह रहे हो, पुरानी कार। तो उसने बोला सर जी मैं पुरानी कार लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, तुम हमारे लिए कोई लीड नहीं हो, हम अपनी रिसोर्सेज, सेल्स टीम की रिसोर्सेज वहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहते। तो अगर यूज्ड कार है, इट्स नॉट अ लीड, ठीक है। Either a new और used car है, तो अगर ये doubt लग रहा है आपको तो इसको आप हटा दो, I haven't decided yet, कोई lead नहीं है हमारे लिए, हमारे पास इतना time नहीं है। जो लोग नई कार लेना चाहते हैं केवल हम उन लोगों को लीड जो है वो मानेंगे। अब इसका रिवर्स केस देख लो, हो सकता है आप सेकेंड हैंड कार्स बेच रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो है आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन अपनी दे दे कि सर जी हम सेकेंड हैंड कार तो देख नहीं रहे थे, हम तो न्यू कार को देख रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में ये वाली आपके लिए नॉट अ लीड हो जाएगा और ये वाला आपके लिए लीड हो जाएगा। थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और यहाँ पर आंसर अपने आप से आ गया, आपने लगा दिया और लीड की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आपकी जो लीड की क्वालिटी है वो इंप्रूव होने वाली है। ऐसा नहीं कि सर जी कोई चमत्कार बता देंगे, हम वहां पर लगा देंगे और हमारी लीड की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। बिजनेस टू बिजनेस, निश टू निश, सिनेरियो टू सिनेरियो, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इतने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप ये कह सकते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं। बिकॉज आज के टाइम में ना टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं हैबिट्स के ऊपर आ जाता हूँ, जैसे हाउ ऑफन डू यू शॉप फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कब लेते हो, या हाउ ऑफन यू विजिट टू अ रेस्टोरेंट, कुछ भी, वट एवर इट इज़, राइट। तो आपका जो लीड फॉर्म है या आपका जो ऐड है उससे रिलेवेंट क्या क्वालिफायर क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप पूछोगे, उन्हीं के बेसिस पर आप डिसाइड कर लो। उनसे ये नहीं कह रहे हो कि मेरे को बताओ आप कि आपको नई कार चाहिए या पुरानी कार चाहिए। वो कह रहा पुरानी कार चाहिए, फिर आप उसको लेकर जा रहे हो कि मेरे को नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर दे दो, ये हमें नहीं चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, आपको पुरानी कार चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम इसको एक मैसेज दे देंगे कि आपको पुरानी कार चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, वी कैन नॉट हेल्प यू, दैट्स इट, डन। तो ये हम लोग सेटअप कर सकते हैं, फाइन। तो उसके बाद एडुकेशन के बेसिस पर आप कर सकते हो। तो दिस इज विद रिगार्ड्स टू क्वेश्चन नंबर 1। अब आप बोलोगे सर क्या मैं यहाँ पर और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर एक और जो क्वेश्चन है उसको ऐड कर दूँ, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब मैं इस क्वेश्चन के लिए लीड फिल्टरिंग का जो ऑप्शन है उसको नहीं एक्टिवेट कर पाऊंगा, क्योंकि वो केवल एसोसिएटेड होता है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही आप लीड फिल्टरिंग के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। और मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप टेस्ट ट्राई ज़रूर करें, इस चीज़ से पीछे मत भागें कि सर जी लीड्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो। लीड्स की कॉस्ट तो इंक्रीज होगी होगी, तो लीड कॉस्ट से तो हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए अगर हम अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल। अरे जाने दो, लीड्स ऊपर जा रही है तो क्या हुआ, लोग कन्वर्ट तो हो रहे हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट, फाइन। तो उस नज़रिए से इसको देखना चाहिए आपको, एक बिजनेस जिस नज़रिए से देखा जाता है, फाइन। तो अब जब आप यहाँ पर लीड फिल्टरिंग का ऑप्शन आप ऑन कर देते हो, तो उसके साथ साथ अगर आप देखो तो नीचे आपको मैसेज फॉर लीड्स भी दिखता है। भाई जो लीड्स थी आपके लिए
उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, मतलब लास्ट में जब वो जाएंगे यहाँ पर तो उनको क्या मैसेज दोगे आप, तो उन्होंने अपनी लीड भी सबमिट करी तो उनको भी एक थैंक यू मैसेज देंगे हम ना कि थैंक यू यू आर ऑल सेट वी विल बी कॉन्टेक्टिंग यू सून समथिंग लाइक दैट, या फिर उनको हम किसी कॉल टू एक्शन बटन के जरिए अपनी वेबसाइट पर लेकर जाएंगे. तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू विद द पीपल हु हैव सबमिटेड देयर इन्फॉर्मेशन एंड दोज आर अवर क्वालिफाइड लीड्स. बट वट अबाउट पीपल जिन्होंने ये यूज्ड कार के ऊपर क्लिक कर दिया था और वहां पर हमने ऑप्शन रख दिया था इट्स नॉट अ लीड फॉर अस, तो उनको भी तो मैसेज देना, ऐसे तो नहीं करोगे कि भाई वहां पर उन्होंने मेंशन किया कि वी आर लुकिंग फॉर यूज्ड कार्स, ये उन्होंने मैसेज किया, अब वो आपके लिए एक लीड नहीं है तो क्या वहीं पर छोड़ के चले आओगे, कुछ ना कुछ तो मैसेज दोगे ना. तो यहां पर अगर हम बात करें तो मैसेज फॉर लीड्स है, उसी के साथ अगर आप नीचे आ जाओ तो मैसेज फॉर नॉन लीड्स भी है. तो यहां पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन योर आंसर दिस माइट नॉट बी बेस्ट फिट फॉर यू चेक आउट अवर वेबसाइट टू सी व्हाट एल्स वी ऑफर, राइट. तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, विजिट वेबसाइट आप करा सकते हो उनको. बट इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये उनको नहीं दिखेगा, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना ये वाला यहां पर जहां पर हम उनसे उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो अगर वो नॉट वाले पर्सन रहेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन उनको नहीं दिखेगा, ठीक है. जैसे मैं यहां पर दिखाऊं आपको, अगर हम क्वेश्चंस में आ जाएं, ठीक है, और यहां पर मल्टीपल चॉइस में आ जाएं और एसोसिएट डिग्री को मैं नॉट अ लीड कर देता हूं यहां पर, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं एसोसिएट डिग्री पे क्लिक करके अगर मैं नेक्स्ट करूंगा जाकर, तो मुझे जो है बेसिकली वो यहां पर जो फॉर्म है ना वो नहीं दिखाई देगा एज अ पर्सन अगर मैं इसको जाकर करता हूं, बिकॉज इट्स नॉट अ लीड फॉर मी. तो अगर मैं ये करूंगा तो मुझे यहां पर आगे जो है वो फॉर्म नहीं दिखाई देगा और मुझे सीधे सीधे जो ये आंसर है ये दिखाई देगा जो अभी हम लोगों ने सेट किया हुआ ये वाला. बट इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर केवल बनाया हुआ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट रियल केस में वो नहीं दिख रहा. आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छी तरीके से प्लान करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तभी आपको इससे बेनिफिट होगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय.